Career Kul, the educational gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12 and career counseling services. फिफ्थ सेमेस्टर में कंट्रोल की बात करते हैं, हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल में पहली चीज है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जो कुछ इस तरह का है। बहुत सी कंपनीज अपने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर लाती हैं। उसमें हमें तीन चीजें याद रखनी है। पहला, माइक्रो प्रोसेसर में कुछ भी इनपुट जाएगा, जैसे कि कोई भी डिजिटल इनपुट, मेरी आवाज ही क्यों ना हो, उसे इनपुट जाएगा। दूसरा, वो उसे प्रोसेस करके डिजिटल या बाइनरी कोड में डेवलप कर देगा, जैसे 0101। और लास्टली, अगर कुछ सिग्नल लॉस हो गया है तो उसे एम्पलीफाई कर देगा या फिर उसे नीचे कर देगा। और थर्डली, आउटपुट देगा। तीन चीजें मेनली, पहला इनपुट कोई भी हो सकता है, मेरी आवाज, इमेज, वीडियो। सेकेंडली, उसका प्रोसेस करना, डिजिटल तरह से उसे कन्वर्ट करना। थर्ड, उसका आउटपुट देना। ये कैसे करना है, किस तरह के माइक्रो प्रोसेसर में करना है, वो हम पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में। और ये बहुत ज्यादा काम आएगा एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, इन जगहों पे जहां पे सिग्नल की बहुत ज्यादा बातचीत होती रहती है, वहां पे ये बहुत ज्यादा काम आता है। लास्टली, फिफ्थ सेमेस्टर में बिफोर कम्युनिकेशन स्टार्ट्स, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने वाले। हमने अभी तक पूरा सेकेंड और थर्ड में पढ़ा कि एक सिस्टम में कैसे काम होता है, फिर हमने पढ़ा हम एक सिस्टम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में कैसे तालमेल बैठा सकते हैं। लास्टली, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। लास्ट है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, कोई भी सिग्नल को हम किस तरह से विदाउट एनर्जी लॉस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं, ये हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। इसमें आपका हार्मोनिक्स और मैथमेटिक्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस तरह की चीजें बहुत काम आने वाली है कि आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट और अब हम शुरू करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह बात करना कैसे करनी होती है, अब हम वो शुरू करेंगे। सिक्स सेमेस्टर में शुरू होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह मैं कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं, कैसे एक वार्तालाप स्थापित करूं। एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन, आपने अपने घर में देखा होगा टाटा स्काई में इस तरह की डिश लगती है, तो ये एक तरह का एंटीना है। इसमें वेव प्रोपोगेट होती है। जब आप सोनी एंटरटेनमेंट देखते हैं तो आपको सोनी एंटरटेनमेंट की वेव मिलती है। ये नहीं कि सोनी एंटरटेनमेंट और स्टार स्पोर्ट एक साथ आ जाए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वो दिखाते हैं। तो इस तरह की डिश यूज होती है एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन में। पहले इस तरह की, जब दूरदर्शन चलता था, कुछ इस तरह का एंटीना यूज होता था, तो ये भी वही काम करता था। किसी एक फ्रीक्वेंसी को लेता था, उसके सिग्नल को डेटा सिग्नल एंड प्रोसेसिंग थ्रू प्रोसेस करता था और फाइनली एक आउटपुट देता था हमारे टीवी पे, जो हमें दिखता था इमेज के द्वारा। तो ये शुरू कहां से होता था, किसी स्टेशन से उन्होंने डिस्क डाली, वो गया सैटेलाइट के थ्रू एंटीना पे, एंटीना के थ्रू आया हमारे टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर पे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। अगर आप और ज्यादा हाईटेक की बात करें तो सैटेलाइट्स भी यही काम कर रहे हैं, एंटीना का और वेव प्रोपोगेशन का। एंटीना वेव प्रोपोगेशन फिर हुई, कोई भी सिग्नल लिया, उसे किसी तरह हमारे टीवी तक पहुंचाया, डिजिटल सिग्नल एंड प्रोसेसिंग जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके तहत उसे प्रोसेस किया और हमने दिखा दिया। जब बारिश होती तो आपको याद होगा, जब इस तरह का एंटीना से जब बारिश होती थी तो वह खराब इमेज हमें मिलती थी। क्यों? क्योंकि हम डिजिट सिग्नल नहीं प्रोसेस कर पाते थे। जो हमारा सिग्नल आ रहा होता था वो हवा विंड और पानी, इसकी वजह से खराब या डिस्टॉर्ट हो जाता था। तो आप सिक्स सेमेस्टर में पढ़ेंगे एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन, डिफरेंट तरह के एंटीना, रेडियो स्टेशन, सैटेलाइट्स, इस तरह का पुराने एंटीना, डिश टीवी, टाटा स्काई जैसे होता है, ये कैसे काम करते हैं। तो सिक्स सेमेस्टर में कम्युनिकेशन के तहत एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइट है, तो ये लाइट हो गया सिग्नल और ये लाइट एक फाइबर ऑप्टिक के अंदर जा रही है, तो ये हो गया सिग्नल प्रोसेसिंग कि हमने अंदर डाला उसके और ये ट्रैवल कर रही है। तो हम चाहते हैं जितनी हम लाइट भेजें उतनी ही मिले। अब इस लाइट के अंदर हम कोई भी इमेज, कोई भी अपने साउंड, कोई भी अपनी वीडियो डाल सकते हैं। ये होगा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कि हमने उसके अंदर कुछ डाल दिया। तो हम यहाँ पढ़ेंगे माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, कैसे माइक्रोवेव के थ्रू माइक्रोवेव एक फ्रीक्वेंसी की वेव है, उसके थ्रू हम कैसे अपनी सिग्नल या कैसे अपनी इमेज, साउंड, वीडियो पहुंचा सकते हैं। सेकेंडली, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर्स, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, इस ऑप्टिकल फाइबर्स में अगर हम लोग आते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत से मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी यूज होते हैं
और हाई स्पीड इंटरनेट हाई कंप्यूटेशन में यूज होते हैं। उसके बाहर एक क्लैडिंग लगी रहती है और उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, उसके एकदम अंदर फाइबर होते हैं जिसके थ्रू हमारा डिजिटल सिग्नल जाता है। क्यों ये बहुत अच्छे हैं? क्योंकि सबसे पहला इनमें कोई लॉस नहीं होता एनर्जी का। अगर आपने वन बोला तो वन ही पहुंचता है, ऐसा नहीं कि व ऐसे बस व पहुंचे बाकी का लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होता। सेकेंडली बहुत हाई स्पीड होता है, आप जैसे ही यहां से पहुंच आपने सिग्नल छोड़ा वहां पे फौरन पहुंच जाता है। तो सिक्स सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के, माइक्रोवेव के द्वारा प्लस हम ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा कैसे कम्युनिकेशन मतलब सिग्नल को पहुंचा और ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम जो भी कर रहे हैं हम किसी मीडियम के थ्रू किसी वायर के थ्रू दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। आगे आने टाइम में हम देखते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन हम किस तरह करने वाले हैं। आप लोग अपने फोन के द्वारा अपने दोस्तों को ब्लूटूथ के थ्रू आप बहुत से इमेजेस ये सब भेजते हैं, कभी आपने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है? ये है वायरलेस कम्युनिकेशन जो यहाँ पे है ब्लूटूथ के द्वारा, कि आप कैसे एक इंफॉर्मेशन जो आपके मोबाइल में है आप उसे बस सेंड दबाएं, सेंड दबाते ही वो बिना किसी ऑप्टिक्स के, बिना किसी माइक्रोवेव के, बिना किसी वायर के फौरन दूसरे कंप्यूटर पहुंच जाती है। और उसमें याद रखिएगा, उसमें ये भी नहीं है कि वो सैटेलाइट पे जाती है और फिर वहां से आके फिर उसमें जाती है, सीधे ब्लूटूथ के थ्रू वो वहां पहुंच जाती है। ऐसे ही कहेंगे जैसे इंफ्रारेड। अब हम देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। कभी आपने देखा कि आप टीवी में रिमोट दबाते हैं और चैनल चेंज हो जाता है, तो ना तो उसमें वायर है, ना तो कोई सिग्नल सैटेलाइट पे गया और फिर आया, डायरेक्टली इंफ्रारेड फिर से एक फ्रीक्वेंसी, जैसे माइक्रोवेव एक फ्रीक्वेंसी थी वैसे इंफ्रारेड भी एक फ्रीक्वेंसी है, उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये कुछ डिवाइसेस है जिसमें इंफ्रारेड वायरलेस कम्युनिकेशन होता है कि आप डायरेक्टली बात करें। आप रिमोट जो है अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, मोबाइल में कर, टीवी में कर सकते हैं, एसी में आप टेम्परेचर कम डाउन कर सकते हैं। तो ये सब हुआ वायरलेस कम्युनिकेशन जो आप सेवेंथ सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट सेवेंथ सेमेस्टर में है कंप्यूटर नेटवर्क्स। जब आपके घर में वाईफाई लगा होता है तो आप कुछ इस तरह का डिवाइस यूज करते हैं जिसे कहते हैं राउटर। तो ये राउटर आपके टिकोना का हो, एयरटेल का हो, ये वहां से सिग्नल लेता है और आपके पूरे घर में वायरलेसली विदाउट एनी वायर्स पहुंचा देता है और आपका कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। तो ये सब होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स में कि कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है। सेकेंडली आपके हो गए एंटीना इस तरह के जो रेडियो स्टेशन है, वो भी तो उसी तरह काम कर रहे हैं कि कोई वायर नहीं है, आपने केवल ऊपर एक एंटीना लगाया ऑन करा और आप 93.3 रेड एफएम सुन सकते हैं। प्लस आपकी हार्ड डिस्क भी उस तरह का काम करती है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, आप उसमें स्टोर करके आप उसे ऑन कर सकते हैं और ऑन करने के बाद आप उसे एक हब बना सकते हैं। तो इस तरह की हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है मार्केट में जो आप हब बना के एज अ स्पॉट हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में आप इन तरह के डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें यूज करके आप वायरलेसली दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लास्ट एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड डिजाइन। बहुत बड़ी चिप पे आप ट्रांजिस्टर्स लगाएंगे, कैपेसिटर्स लगाएंगे। ट्रांजिस्टर्स किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करके रखता है उसे देने के लिए। प्लस आप लॉजिक गेट्स देखेंगे, तो ये पूरा एक इंटीग्रेशन। इसमें अगर आप ध्यान दें इसके अंदर एक डिजाइन है, ये डिजाइन जो है यही है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड डिजाइन। तो ये आप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में लास्ट वाले सेमेस्टर में, दैट इज सेवेंथ और एट्थ डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी। सो एज अ समरी, ट्वेल्थ में हमको चाहिए ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, हार्मोनिक्स एज अ बेस। फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि हम एक डिवाइस के बारे में समझेंगे और उसके इंटरनल साइंस के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वेवगाइड, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, डिजिटल सिस्टम, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में। फिर आते हैं हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, अगर हमें कोई भी एनर्जी पहुंचानी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वॉइस हो, इमेज हो, वीडियो, तो हम यूज करेंगे ट्रांसमिशन लाइंस एंड नेटवर्क्स। उस सर्किट को डिजाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। माइक्रोप्रोसेसर एंड कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे जो हम यूज करने वाले हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। फिर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में मैथमेटिक्स आएगी, फोरियर ट्रांसफॉर्म और कैसे आप इनपुट जो आ रहा है उसे कैसे मेंटेन करके और कैसे आउटपुट दें। फाइनली ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में मेनली मैंने दिखाया था एंटीना, वेव, माइक्रोवेव, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फिर वायरलेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स और VSLI
डिजाइन, तो ये पूरा मिलके एक तरह से इंडस्ट्रीज जो आपके पास है वो है मोबाइल की कोई भी कंपनी, इंस्ट्रूमेंटेशन कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन बनता हो, कुछ भी मेजर करने के लिए, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन हो, और वायरलेस कम्युनिकेशन में कोई भी कंपनी। तो ये ओवरऑल ये पूरा है जो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और ये इंडस्ट्रीज है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में फिर से बात करेंगे इन डिटेल। दिस इज द समरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच।